साहिब श्री गुरु नानक देव जी जी साजी नवर जी परम सत्कार योग सात संगत जी हो वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। सात संगत जी हो आप जी नू इस साल पिछले साल नालों बधेरे उत्थे दी रहायश वास्ते एजुकेशन हो गई है। इस तो उपर कुछ किया नहीं जा सकता क्यों हर एक डिटेल जेड़ी उत्थे बहुत जरूरी है अपनाने वो आप जी नू बड़ी विस्तार पूर्वक दस दी गई है। मैं केवल आप जी सेवक होने नाते कुछ फर्ज रखांगा कि मैं भी कहा ओ दरबार एक ऐसा शहाना तेदानी है क्योंकि हर प्रकार की भुख हर प्राणी की मिटती है। जिवें गुरबाणी विच फरमाया है पातशाह ने बिरथा जाए ना जन की अरदास उत्थे असी जाके ये साख साख अनुभव करते हाँ कि साड़ियाँ सारिया इच्छावां चाहे वो दुनियावी हैं चाहे वह परमार्थी हैं उन्हें फुल चढ़ते हैं। ये एक विशेष अवस्था भावे असी उसके अनुकूल होंगे हाँ भावे नहीं होंगे सानू वो अवस्था दान की जाती है। इत्थे सतगुरां दे दरबारां विच असी जाने हाँ जी साडी मन की एकाग्रता जी साडे मन की डिवोशन जे साडे मन का प्यार उन्हां दे चरणां नाल जुड़ जाता है तो असी सफल हो जाते हाँ। जे असी नहीं जुड़ते असी सफल नहीं होंगे। उत्थे जी असी टुट लगे भी एक सफलता छोटी जी प्यार परी उन्हां दे नाम दी नाल लैके टुर पईए तो सानू जांदे ही दान मिल जाता है। और लोग पाता नहीं बन सकते जिहड़ी कि बिल्कुल ही उन्हां दे चरणां वल ध्यान नहीं करते बिल्कुल ही जिहड़ियां दसियां नॉर्म्स उन्हां दा उन्हां दी उदारता नहीं करते वह रह जाते हैं। असी जरूर फील करते हाँ ये घाट उन्हां दी लेकिन असी अगेन असफल हो जाते हाँ। इस स्थान पर आके फिर असी कोशिश करते हाँ साल भर के उन्हां दी जिहड़ी ऊनताई है उसनू अनुकूल कर दईए तो सच्चे पातशाह दे दर तों रहम करम लैके असी सफल हो जाइए। ये दरबार आप जी नूं पता ही है कि राती 4:30 बजे तक ये स्थान असी तुहाडे वास्ते बनाते रहे हाँ फिर भी असी इस दे विच असफल रहे कि असी तुहानूं सारिआं नूं जगह प्रोवाइड नहीं कर सके इस वास्ते असी खेमा दे जा चुका। आप जी नूं पता होएगा अज कीर्तन विच भी उस सब्जेक्ट की बड़ी महिमा गायन हुई है कि जो सिमरन है ये हर आत्मा वास्ते अति जरूरी है। जिवें इकबाल दा प्यार अपने माता पिता वास्ते अति जरूरी है इसी तरह असी जो जीव हाँ उन्हां दा अटैचमेंट उन्हां दा चकाओ उन्हां दी डिवोशन जिहड़ी है अपने सतगुरां दे प्रति अत लोड़ींदी है। असी इस नूं अवस्था नूं कायम करने की खातर हर प्रकार के यतन करते हाँ कि संगत नूं एजुकेट किया जाए। आप जी नूं जिवें वीर जी ने दस्या है कि जिथे जिहड़ा अमृत है उसका जो सेवन है उस दे नाल भी असी एक गंढ मार दिती कि तुसी सच्चे पातशाह का नाम लए बगैर और उन्हां दे चरणां ते ध्यान रखे बिना नहीं करना। जिस वेले उसका सेवन भी करना है उस वेले सच्चे पातशाह के चरणां ते ध्यान रख के उन्हां दा नाम लैके उस अमृत नूं सुबह शाम सेवन करना है। जिन्हां नूं कारोबार की घाट है
उन्होंने घर के छिट्टे देने हैं और अपने कारोबार वाली जगह पर छिट्टे देने हैं उस अमृत के। किस प्रकार? सच्चे पातशाह साहब श्री गुरु नानक देव जी जिन्होंने कि दरबार की साजना स्थापना अपने हुक्म अनुसार करवाई सी, उन्हों का नाम लैके उन्होंने नाम की उधारता लैके एक बड़ी एजुकेशन जिहड़ी कि इंसान नूं ग्राह दिंदी है। वह की है? वह मन का क्रोध है, वह मन की ईर्ष्या है, वह मन की चुगली निंदा करने की आदत है, झूठ बोलन की आदत है, अपने आप को प्रोजेक्ट करने की गलत आदत है। असी इस दरबार के उस तो भी बचते हाँ। जरा सिमरन है उसका सुभाव बनाने की खातर असी जिवें गुरबाणी में लिखा है बहुत जगह आ गया है कि अगर असी पढ़ते हाँ उसका उन्ना प्रभाव नहीं दसिया गया जिन्ना कि असी बुल्ला और जमीन जबान अंदर करते हाँ। उस दे नालों वधेरे प्रभाव, उस दे नालों वधेरे लाभ दसिया गया है जिस वेले के असी अपने मन और तन नू एक कर लैने हाँ ते स्वास दे नाल सिमरन की उदाहरना करते हाँ। गुरबाणी दे विच बड़ी स्पष्ट तुकां आंदियां हन इस बारे, तो मैं आप जी नू फिर कितें विस्तार सहित दसांगा, लेकिन मैं हूँ केवल इतना ही दसांगा क्योंकि असं बहुत लेट हो गए हाँ कि जिस वेले तुसी स्वास इनहेल करने हैं तो उस वेले तनता का शब्द कहो तन, तो जिस वेले एक्सहेल करना है तो उस वेले गुरु नानक साहब जी का नाम लवो। ये अनहेल एक्सहेल करन दे नाल सानू की लाभ होंदे हन? श्वास नू एक असी रोक के करते हैं और श्वास नू बड़ी स्लो जी स्पीड दे नाल इसकी आवाजाही करते हैं, उस दे नाल साडे मन दे अंदर अकाल पुरख दे प्रकाश दी जो रवानगी होया करती है उस दे नाल शरीर अंदर एक वारमथ आ जाती है जेड़े के संसारी अवस्था उधारता नू एक ऐसी उधारता विच लै जांदा है जिस दे नाल कि मन और तन दोनों गद गद हो बैठते हैं और वो अवस्था दे नाल एक बहुत बड़ा जो फैक्टर काम करता है वो ये है कि आप जी जिस वेले प्यार विच और सत्कार विच आ जाते हो तो आप जी की जिहड़ी कुंडली है वह खुल जाती है, आप जी के मन में इतना रस आ जाता है और तन में इतना रस आ जाता है कि आप जी के सामने साहिब श्री गुरु नानक देव जी का स्वरूप हर पासे जिधर तकते हो नजरी आता है। नाम जिस वेले असं जबान में कहने हाँ धन गुरु नानक बस समाप्त हो गया, एक इंद्री ने काम किया। जिस वेले असी श्वास नू इनहेल और एक्सहेल करके करते हाँ तो साडे शरीर के किन्ने करोड़ हा रोम हैं उन्हां दे विच इह आवाज़ चलती है धन गुरु नानक। असी इत्थे थोड़ा जिहा विस्तार नाल देख लईए कि उन्ने टाइम दे विच असी एक धन गुरु नानक का जाप किया है, उन्नी टाइम की अवस्था के असी कई करोड़ हाँ गुणा जाप कर लिया। जे असी ये जाप इन्ना कर लिया तो सानू घाट कितने रह गए? साढ़े दुख जड़े हैं जड़िया पीड़ा हैं जड़े शरीर दियाँ दर्दा हैं उन्होंने वार्म दे नाल गरमाई मिल गई तो उन्हों तो कट गई जड़िया कि असी फॉरन एलीमेंट्स लैने दवाइया लैने ड्रग लैने उन्हों की गरमाई के नाल असी दर्द दूर करते हाँ जिन्होंने असं पेन किलर कहने कि नाम की जी प्यार की पुकार है उस दे विच ज़्यादा वार्मथ की अवस्था है। आप जी देखोगे एक बाल छोटा जहा उस कोई छोटी मोटी टक्कर लग जाती है, कोई छोटी मोटी चुंब लग जाती है, वह रोंदा है करलांदा है, लेकिन जिस वेले उसकी माता जी और पिता जी उसनू चुक के
अपनी छाती की बारम से दिंदे हैं, वह जी सट है जिसकी पीड़ वह महसूस कर रहा है, वह पीड़ जी है वह गायब हो जाती है। किस दे नाल? वारम दे नाल, उस प्यार की गरमाई दे नाल। और उस गरमाई नू वह बाल छड़ना नहीं मंगता और उस नाल चिमट जाता है। इसी तरह जिस वेले वीर जी ने जो दस्या है कि असी जिस वेले उन्होंने नाम की अदारता लै जाने तो क्यों नहीं सुनेंगे साड़ी आवाज़, सानू आवाज़ नहीं सुनानी, सानू असी सानू उन्होंने आवाज़ नहीं सुनानी, सानू उन्होंने अंग बन जाना है। साढ़े जेड़े प्रकाश है अकाल पुरख की होंद का, उस प्रकाश जोड़ा है उस प्रकाश के नाल मिलाना है जिस प्रकाश तो वो जुदा होकर आया है। ये जी साड़ी आधारता है, ये आधारता सानू उत्थे लै जाती है। धर्म की पौड़ी संत का मार्ग को बड़ बागी पाए, सानू वो अवस्था मिलती है, असं उस अवस्था चल जाने। धर्म करन वाला प्राणी और संत की अवस्था का प्राणी उसनू दात होंगी है साहिबां वालों अकाल पुरख वालों सुते सुते कि जो कुछ जवाब तो कह दें ओदी पूर्ति होया करती है, ओदी आवाज़ की सुनाई होंगी है अते उसते फुल चढ़ाए जाते हैं। जेडे साधुओं के मार्ग होया करते हैं, जेडे साधुओं के टिकाने होया करते हैं, साधुओं के डेरे होया करते हैं, वो सफल डेरे हो जाते हैं जिथे कि ईमानदारी के नाल वो अवस्था साहिब श्री गुरु नानक देव जी के चरणों के नाल जुड़ी चली जाए। ये अवस्था हर था नहीं हो सकती, क्यों? अपनी अपनी अवस्था का मार्ग होया करता है। एक प्राणी चौथी पढ़ गया, एक मिडिल कर गया, एक दसवीं कर गया, एक बीए कर गया, एक एमए कर गया, एक पीएचडी कर गया, इन्हां दी अवस्था ते आधारता संसार दे विच वक्री वक्री रहेगी, इहदा मुल भी वक्रा वक्रा ही पैंदा है। इसी तरह कोई डेरा बिगनर होया करता है, कोई मिडल एज विच आ जाता है, कोई पूर्णता ते चढ़ जाता है। ये क्यों? ये अगेन वही चीज़ आ जाती है कि सच्चे पातशाह दा जे नाम दी जिहड़ी आधारता है जे वह सही ढंग दे नाल चलदी चली जा रही है तो कोई कमी नहीं रह जाती। हर जन ऐसा चाहिए हर ही जैसा होए, उस प्राणी के मन के अंदर तुसी देखोगे कभी क्रोध नहीं आएगा, वो किसी का बुरा कभी नहीं चाहेगा, वो किसी नूं दूसरे पंग विच नहीं रखता, अपना के रखता है हर एक नूं। उस जिहड़ी मन की अवस्था है उस विच हमेशा करम दी अवस्था चलती है, दान की अवस्था चलती है, सेवा की अवस्था चलती है। वो हर पल किस प्रकार चलता है? जिस प्रकार के एक शुद्ध हवा जेड़ी के फुलां दे विचों चली आ रही है और फुलां दी महक नूं चकी आ रही है उसकी अवस्था इस प्रकार होया करती है। जो प्राणी उसके इर्द गिर्द आ जाते हैं वह उन्होंने तो दूर नहीं होना मंगते, जो प्राणी उन्होंने बोल सुन लेंदे हैं उन्होंने फुल चढ़ा देंदे हैं वह उन्होंने हो जाते हैं। जो दुखी संसारी जो संसार की घाट लैके बैठे हैं वो मन की अवस्था में इस प्रकार जब सिमरन करते हैं, जब इस प्रकार के विचरन विचर जाते हैं तो उन्होंने सतगुरु आप मेहर कर देंगे, आप प्यार भेट कर देंगे, उन्होंने दुख कलेष और जड़िया संसारिक घाटा कारोबार की घाट बहुत वड्डी है, बच्चों के संजोगों की घाट बहुत वड्डी है, कलेष की घर के घाट बहुत वड्डी है। जिस वेले असीं इस प्रकार के हिसाब में आ जाते हाँ तो साडे मन और तन दा कौन वाली है जिसने के इहदी साजना कर दित्ती है? क्यों? मैं दी अवस्था नहीं है उत्थे, ईगो दी अवस्था नहीं है उत्थे, किसे नूं दूसरा करके नहीं रखा गया, सब नूं अपनत विच रखा गया है, सब नूं अपना करके रखा गया है। जे सब नूं ही अपना करके रखा है भावें वह किसे पंथ दा होवे, भावें वह किसी ही मत का होवे, भावें वह किसी ही फिरके नूं दे नाल तअल्लुक रखता होवे, उत्थे गल पुज जांदी है जिथे कि सच्चे पातशाह साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जिन्हां नूं किसे दशमेश पिता करके आखदे हां
कलगिया वाला करके आखते हाँ, नीले वर्गा कर नीले वाला कह के पुकारते हाँ, और उन्होंने किन्ने गुण गायन करते हाँ, किन्ने प्यार दे नाल असी आवाज़ लाने। जिस तरह एक बीबी ने अज शब्द पढ़िया कि तेरे नाम तो बिना असी की मंगना है, होर की है मंगना। जब नाम की उदारता दे विच हर प्रकार का सुख है, हर प्रकार के दुख की हानि है, हर प्रकार की घाट की हानि है, सफलता ही सफलता दिसदी है, वह क्यों ना अपनाया जाए। असी ये जड़ा है इसनों अपनाना है। साहेब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी जिस वेले सिखी की साजना करते हैं फरमा रहे हैं, खालसा मेरो रूप है खास, खालसा मेरो रूप है खास, खालसे में मैं करूं निवास। जब ये चीज़ा आ गई, बाकी होर छड़ दो सारियाँ, तो सही आत्मा नूं काट के नहीं रह गई है। जिहड़ी प्यार भरी सत्कार भरी अकाल पुरख दे चरणां दी प्रकाश की जिंद है, उसनों काट कदी रह गई। उहदे दे विच ते आप है अकाल पुरख, उहदे विच ते उहनां दी समाई आप है। जे उहनां दी समाई आप है ते फिर सब कुछ होई है। नमस्कार कर दिया, दुनिया प्यार कर दिया, सत्कार कर दिया, मत्थे टेक दी है। साढ़े संसार के अंदर एक ऐसी लहर चल गई, थोड़े दिन होया साढ़े समय तक खैर बहुत शुद्ध समय सी, कुछ ऐसा जैसे समय च लहर पै गई कि किसी नू मत्था ही नहीं टेको सिवाए गुरु ग्रंथ साहब तो। इस तरह दिसिया कि सतगुरां ने होर कुछ बनाया ही नहीं सिवाए गुरु ग्रंथ साहब के। जब सारा ही सिलसिला ही उन्हों का बनाया होया है, हर प्रकार के फुल बना दिते हैं, हर प्रकार की अवस्था बना दी है, हर प्रकार के जीव बना दिते हैं, उन्होंने वखरे वखरे वेषण कर दिते हैं, उन्होंने वखरे वखरे सिक्ख्या दे दी है। कादी खातर दिती है, कादी खातर दिती है, इस करके दिती है कि कोई प्राणी संसार के यह जहाँ उठता है जोड़ा कि सारे कट्ठा करके एक जगह रख लै, और ये अवस्था कट्ठी करके दिखाई है साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने। दूर दराडे गए, कोई भी फिरके वाला सीगा, कोई भी प्राणी आया उन्होंने, उन्हें एक अजिहा सुभाओ जहाँ अकाल पुरख की होंद दर्शाई कि सारे ही कहते सन कि साहिब श्री गुरु नानक साहब ये साढ़े। अज हिस्ट्री दसती है कि जिते भी वह गए उत्थे उन्होंने प्यार सत्कार ही मिलिया, भावें उन्होंने बहस करके या उन्होंने एजुकेट करके ये अवस्था लिया, चाहे अपनी अवस्था का प्रकाश की निहालता उन्होंने पेट करके उन्होंने अपने बना लिया। इतों तक कि जोड़े जंगली जानवर सन वो भी उन्होंने रहम और कर्म विच आके आदर सहित नमस्कार करते रहे हैं, बहुत सारिया साखियां नज़र आदि हैं। सो ये नाम की जी अवधारता है, ये नाम का जो संसार है ये सारा ही प्यार है। इसनों बहुत सारे तुकों के नाल पातशाह ने दर्शाया है। एक तुक मैनू भी याद है, प्रेम पियो तिन ही प्राणा, प्यार सत्कार बहुत सारिया तुक हैं बयान कीतिया जान, तो मैं समझदा कि एक इंसान दे वस दा रोग नहीं है कि उन्होंने सधारणता दे नाल वो बयान कर सके। सो ये प्यार ये उदारता असी जीवन ने हासिल करनी है। ये आप जी नू दसन दा क्यों सबब बनया, आप जी ने इस बारे एजुकेट करन दा की कारण बन गया, आज तो पहला इन्नी विस्थारता दे नाल नहीं असी चले, केवल ये कहंदे रहे हाँ कि इस प्रकार नाम जपो। लेकिन ये विस्तार क्यों हो गया, इस करके हो गया कि इस समा इस साल का समा यह बड़ा कठोर दिसदा है, अजिहा इस दे विच रंग दिसदा है कि जिहड़ा कल युग है उसने पूरे जोबन ते आ जाना है और संसार नूं टकरा टकरा के मार देना है। जिहड़ा इस उदारता विच आएगा, जिहड़ा इस प्यार दे विच आ जाएगा, उहते सतगुरां दा हथ होएगा और उह प्राणी बच जाएगा, उहदी रक्षा होएगी, उहदी उदारता होएगी। ये आप जी नूं
ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਚੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹਨ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਫਰਮਾਨ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ, ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਸਭ ਕੁਛ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ। ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ? ਉਹ ਨਿਮਿਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੇਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ, ਤੁੱਕਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਹੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ। ਮਨ ਔਰ ਤਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੇਲੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਰੋੜ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਬਰਤਨ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਇਆ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲਿਕੁਡ ਹੈ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਤਨ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ ਉਹੀ ਸ਼ਕਲ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਵੀ ਰੂਪ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਅਵਸਥਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸਾਖੀ 'ਤੇ ਵੀ ਕੁਛ ਜ਼ੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਵਸਥਾ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ਣੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ, ਦਾਤ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਅਵਸ਼ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਬਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹਨ ਉਹ ਕੁਛ ਦੇਣਗੇ ਹੀ ਨਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦ ਕਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਫ਼ਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਫ਼ਾ ਵਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਅਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਅਵਸਥਾ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਔਰ ਚਰਚਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਜਦ ਆਓ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਆਉਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਰਿੰਕ ਕਰਦਾ ਉਹ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦਾ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਦੇਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਥਰੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਅਵਸਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿਓ, ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੋ ਕਿ ਵੀਰ ਨਾ ਕਰ, ਵੀਰ ਨਾ ਕਰ, ਵੀਰ ਨਾ ਕਰ, ਜਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਟ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਦੀ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਕਦੀ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪਿਆਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਫਿਰ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ 4:30 ਤੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਰਿਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਔਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਔਰ ਸ਼ੁੱਧ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਕਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਾਂਗਾ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਾਂਗਾ। ਆਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਓਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।